एक शिया मुसलमान पूरे 5 वक्त के नमाजी, जकात देते और हज करने भी जाया करते। रमजान में रोजा तो रखते हैं, अपने मजहब के साथ गैर मजहब की संस्कृति और त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते, क्योंकि उनका एक ही धर्म था, संगीत। वो काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते, वो गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज किया करते। आज कहानी भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित एक लौते कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान की, जिन्हें दुनिया में बेहतरीन शहनाई वादक के रूप में जाना गया। पैगंबर बख्श खान, जो एक शिया मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते, बिहार के डुमराव स्टेट के टेढ़ी बाजार में एक किराए के कमरे में रहते अपनी पत्नी मिट्ठन बाई के साथ, और महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते। इनके घर दूसरी संतान के रूप में 21 मार्च साल 1916 को एक बेटे का जन्म हुआ। बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन खान के अनुरूप नाम रखा गया कमरुद्दीन खान। ऐसा कहा जाता है कि जब कमरुद्दीन खान को इनके बाबा रसूल बख्श खान ने देखा तो उनके जुबान से निकला बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से, और तब से कमरुद्दीन खान का नाम बिस्मिल्ला खान हो गया। साल 1932, उम्र 16 साल की हुई तो उनका निकाह हुआ मुग्गम खानम से। उनके कुल 9 बच्चे भी हुए। वो कभी कभी हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहते, मेरा घर घर नहीं है, एक होटल है। दरअसल उनके परिवार में कुल 66 लोग थे जो एक साथ रहते थे। बिस्मिल्ला खान अपनी पत्नी मुग्गम खानम से खूब प्रेम करते, लेकिन वो अक्सर ये भी कहते कि मेरी एक दूसरी पत्नी भी है, शहनाई। दरअसल बिस्मिल्ला खान 6 साल की उम्र में पिता पैगंबर खान से शहनाई बजाना सीखते थे। इसके बाद वो साल 1922 में बनारस आ गए। यहाँ मामा अली बख्श विलायतीन खान बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्ला खान ने उन्हीं से शहनाई बजाने की तालीम ली और यहीं से बिस्मिल्ला खान का उस्ताद बिस्मिल्ला खान बनने का सफर शुरू होता है। 7 से 8 घंटे रोज रियाज करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। पहली बार साल 1930 में इलाहाबाद के एक संगीत सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति दी। साल 1937 में कोलकाता में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में शहनाई बजाई तो पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। फिर वो दौर आया जब अमेरिका, यूरोप, इराक, ईरान, कनाडा, दुनिया के हर कोने में अपने कॉन्सर्ट किए। साल 1947, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि आज़ादी की पहली सुबह का स्वागत उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाकर करें। बिस्मिल्ला खान इस बड़े अवसर पर शहनाई बजाने का मौका मिलने से खुश थे, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि मैं लाल किले पर चलते हुए शहनाई नहीं बजा पाऊंगा। तब जवाहरलाल नेहरू ने उस्ताद बिस्मिल्ला खान से कहा, आप लाल किले पर एक साधारण कलाकार की तरह नहीं चलेंगे, आप आगे चलेंगे, आपके पीछे मैं और पूरा देश चलेगा। इसके बाद बिस्मिल्ला खान ने राग काफी बजाकर आज़ादी की उस सुबह का स्वागत किया। साल 1997 में जब आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई तो बिस्मिल्ला खान को लाल किले की प्राचीर से शहनाई बजाने के लिए फिर से आमंत्रित किया गया। साल 1956 में संगीत नाटक एकेडमी, साल 1961 में पद्मश्री, साल 1968 में पद्म भूषण, साल 1980 में पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्ला खान के सफलता कदम चूमती गई, लेकिन उनके रहन सहन का ढंग हमेशा एक सारा, सादगी से भरपूर। एक बार वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो इंटरव्यू देने से पहले जो लुंगी पहने थे वो ही लुंगी पहने हुए इंटरव्यू देने लगे। दरअसल उनकी लुंगी फटी हुई थी। तभी उनकी एक शिष्य ने उन्हें टोका, कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी हुई लुंगी पहनेंगे तो इसका गलत संदेश जाएगा। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक यतीन्द्र मिश्र यतीन्द्र की डायरी में लिखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपनी शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, पगली, मुझे भारत रत्न शहनाई बजाने पर मिला है, फटी हुई लुंगी से उसका क्या ताल्लुक, तू कह रही है तो लुंगी बदल लेता हूँ। खुदा से हमेशा प्रार्थना करना कि वो हमेशा सच्चा सुर बख्शे, कोई फटा हुआ सुर ना दे।
अगर खुदा ने एक गलत सुर बख्श दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लुंगी का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने वतन से बेहद प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें जब पेशकश की गई कि आप अमेरिका में ही आकर बस जाओ, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि बनारस में गंगा है, काशी विश्वनाथ है, बालाजी का मंदिर है, मैं इन सबसे बिछड़ना नहीं चाहता। सर्दियों में वो अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठते, धूप का आनंद लेते और उनके पीछे तार पर उनके कपड़े सूखा करते। जूही सिन्हा अपनी किताब बिस्मिल्लाह खान बनारस के उस्ताद में लिखती हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ताउम्र अपने कपड़े खुद धोए, हमेशा बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहने। उनके कमरे में एक चारपाई और बिना गद्दे वाली कुर्सी के अलावा कुछ नहीं था। किसी ने उनके कमरे में एक कूलर लगवाने की पेशकश की, पर यह कहते हुए मना कर दिया कि यही पैसे गरीब विधवाओं को दे दिए जाएं। साल 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कभी कार नहीं खरीदी, हमेशा रिक्शे से चले, कभी शराब नहीं पी, हाँ कभी कभी वो एक आध सिगरेट जरूर पी लिया करते थे। 17 मार्च साल 2006 को तबीयत खराब हुई तो बनारस के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो चाहते थे इंडिया गेट पर शहनाई बजाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दूं, लेकिन ये आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। 21 अगस्त साल 2006 90 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया। उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक हुआ। भारतीय सेना ने 21 तोपों की सलामी दी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पुराने बनारस के फतेमान कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।